आप लोग सिर्फ बात करके हमारा पेट भरवाने वाली है या कुछ खाने वाने को भी मिलेगा? भाई हमें तो बहुत भूख लगी है, प्लीज। सब भैया, खाना तो हम और आप रोज ही खाता रहता हूँ, क्या तनिक हम का जी भर कर बतिया लेने दीजिए। आज चाय का कप दूसरा भी आ सकता है, लेकिन गुजरा वक्त वापस नहीं लौटता। हर गुजरते पल का जुर्माना भुगतना पड़ता है मुझे, क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास। कभी कभी हमका ख्याल आता है क्या? कि जैसे तुहार को बनाया गया हमारे लिए। वाह त्यागी, सब तक जीते जी हो गए, क्या उसके सुधरने की कोई आसार नजर आते हैं तुझे? माँ मुझे कुछ नहीं पता कि आज क्या क्या हो रहा है और कल क्या होगा, सब एक खौफनाक ख्वाब सा डरावना है, और मैं उतनी बेबस हूँ जितना कोई नींद में होता है। भैया एक उनको यहाँ बुलवा लो। दिमाग खराब हो गया जागी, इतनी रात गए? कब बहुत रात है, कोई बात नहीं, चलो हम दो ही चलते। आगे प्लीज, मैं तुम्हें इस हालत में यादाश्त में भूसा भरा है। अब तक यह नंबर तुम्हारी उंगलियों पर उतर जाना चाहिए था। बेजान परछाइयों की तरह मेरे आसपास मत मंडराया करो। यार रेनू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से तलाक के लिए इतना तमाशा हो जाएगा। तलाक चाहे छोटा सा, पर एलिमनी तो बहुत सी है। कमाल की बात है, जितना मैं अपने तलाक को लेकर परेशान हो रही हूँ, तू और बंसल साहब उतने ही इत्मीनान से काम ले रहे हैं। मैं और बंसल साहब इसलिए इत्मीनान से बैठे क्योंकि हम बिल्कुल श्योर हैं कि तू बहुत अमीर होने वाली है। वैसे तूने सोचा कि तू कितनी एलिमनी डिमांड करने वाली है? 10 करोड़। 10 करोड़? ये भी तेरे बंसल साहब का आइडिया था? माय गॉड निशी, तू तो बहुत अमीर हो जाएगी। उन्होंने कहा 10 मांगो तो 5 तो मिलेंगे, यानी कि तेरी 5 उंगलियां घी में। निशी अब तो तू जिंदगी भर ऐश करेगी, अच्छा हुआ तूने मेरी सलाह मान ली। क्यों? लेकिन ये सब तो तब होगा जब महेन पैसा देगा। तूने महेन को बताया कि तू कितना मांगने वाली? मैंने महेन को तो नहीं बताया, लेकिन बंसल साहब ने उसे नोटिस के जरिए बता दिया। उसके बाद वो मुझसे मिलने आया था, खूब तमाशा किया उसने, मैंने भी सब सुना डाला उसे। देख यार, इतना रुपया उसके हाथ से जा रहा है तो छटपटाएगा ही ना बेचारा। वैसे बेचारे ने शीला के साथ जो सपने देखे होंगे सब के सब धूल में मिल गए। एक बात है रेनू, मैं बंसल की सलाह पर ये सब कर तो रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है शायद मैं महेन के साथ गलत कर रही हूँ। देख निशी, तू ये सब पछड़े में मत पड़, तू भूल जा महेन तेरा क्या लगता था क्या नहीं, बस तू ये सोच कि तुझे मल्होत्रा खानदान से इतने करोड़ रुपए वसूल करने, बस, ताकि तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। वाह आंटी वाह, क्या दोस्ती निभा रही है आप मम्मी के साथ। इस घर की दीवारें तो पहले ही इस घर के लोगों ने गिरा दी है, अब आप क्या यहाँ बैठकर उसकी ईटा को चकनाचूर कर रही हैं? नीतू, I don't believe this। तू वहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुन रही थी? क्यों ना सुनूं? Why shouldn't I? ये जो आपकी सहेली है, जिस आदमी को बर्बाद करने की सलाह दे रही है ना, वो मेरे पापा हैं। मैं कोई सलाह नहीं दे रही। निशी ने मेरे से पूछा कि तलाक के लिए कोई वकील का नाम बताओ, मैंने इसे एक वकील से इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट्स ऑल। अब वकील जाने और निशी जाने। वो वकील तो चाहेगा ही कि जितने पैसे पापा से खींच सके खींच ले। बेटा वो जो भी कर रहा है हम तीनों के लिए कर रहा है, हमारे काम आने वाले पैसे। मम्मी ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो वकील जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है। वो जितनी ज्यादा एलिमनी जिस तरीके से हासिल करेगा उसमें से कम ऐसी कम 25% तो अपनी फीस रखेगा ही। 25%? मैं क्यों दूंगी उसे 25%? हाँ निशी, वो परसेंटेज पर ही काम कर रहा है, इतना तो वो लेगा ही। इसका मतलब रेनू, अगर मुझे 5 करोड़ मिले तो 1.25 करोड़ वो यूं ही ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा। वो आपको आपकी एलिमनी नहीं दिलवा रहा, आपको जरिया बनाकर हमारे पापा को लूट रहा है। निशी, इसकी बातों की तो फिक्र मत कर, बच्ची है कुछ भी बोल देती है। नहीं यार, ये जो कह रही वो भी ठीक है और तू जो कह रही वो भी ठीक है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महेन, इस तरह से परेशान होने से क्या होगा जरा बताओ तो। परेशानी जब सर पर होती है तो आदमी परेशान ही होता है, बनावटी हंसी हंसना मेरी फितरत में नहीं, जो अंदर है चेहरे पर आ ही जाता है।
बहरहाल अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो दूसरे कमरे में जा सकती हो। बल्कि आई एम रियली सॉरी शीला, पता नहीं क्यों अपना सारा गुस्सा अपनी करवाहट में तुम पर क्यों निकाल देता हूं। नहीं, मैं मुझे इस बात की शिकायत कभी नहीं होगी, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें इस तरह से फिर से परेशानी में उलझा देख रही हूं ना, मुझे डर लग रहा है। मैं भी क्या करूं, बेबस हो जाता। देखो ना, पूरी कोशिश में था कि मैं जिंदगी की शक्ल बदल दूंगा, देखो क्या हो गया। महेन, तुम हर बार हालात को अपना शिकार क्यों करने देते हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि तुम हालात पे सवार हो जाओ? निशी के तेवर देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तमाशा खड़ा करने पर तुल गई है। पूरे 10 करोड़ की रकम वो लेकर ही रहेगी। देखो महेन, तुम उस दिन गुस्से में निकल गए थे, मैं तुम्हें रोकना चाह रही थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि गुस्सा उलझन को और भी उलझा देता है। तुम्हारे जाते ही मैं समझ गई थी कि आज बहस होगी और झगड़ा होगा तुम्हारे और निशी के बीच। निशी प्यार से समझने वालों में से नहीं है, पूरे 10 करोड़ की रकम लेकर रहेगी, और जब वो ऐसी घिनौनी हरकतों पर उतर। देखो महेन, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि निशी को जरूर कोई भड़का रहा है। दूध पीती बच्ची नहीं है वो, जो किसी की बातों में आ जाएगी। लेकिन कम से कम इस बात की गुंजाइश पर गौर तो करो कि कोई उसे भड़का रहा है। तुम्हें तो ये करना चाहिए कि निशी से बैठकर आराम से बात करो, ताकि कोई रास्ता निकल पाए। 10 करोड़ की रकम उसे देनी पड़ी, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। I'll be totally finished. ओ महेन, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो हम दोनों यहां रहेंगे, और अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी न रही तो कम से कम हम दोनों साथ तो रहेंगे ना। हाँ, तुम भी कमाल की हो। पता नहीं हर परेशानी का सामना इतने इत्मीनान से करती हो कि फिर वो परेशानी परेशानी नहीं रहती, और मैं हर परेशानी से इतना बुखला जाता हूं कि फिर वो परेशानी दुगनी तिगनी लगने लगती है। महेन, मेरे ख्याल से लाइफ में एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आने दो परेशानी को, देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा। और अगर तुम्हारा ये रवैया रहा ना, तो ये तुम्हारी ताकत को और भी बढ़ाएगा, समझे? एक बात तो निश्चित है, मैं निशी का सामना कोर्ट में या कोर्ट के बाहर करूंगा। I'll fight her. महेन, ये कोई जरूरी नहीं है कि तलाक का मसला झगड़े और केस के साथ ही सुलझाया जाए। अगर हस्बैंड वाइफ चाहे ना, तो वो आराम से बिना आवाज ऊंची किए हुए किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और वैसे भी महेन, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें निशी को लाइफ में सेटल कर देना चाहिए? शीला, मैं अपने फर्ज से पीछे हटने वालों में से नहीं। वो मेरे बच्चों की मां है, उसे उसका अधिकार मिलना ही चाहिए, लेकिन उसे रीजनेबल होना चाहिए। अब उसे समझाए तो कौन? उसे मैं समझाऊंगी। हेलो सर, डीएस इंडिया। हाँ बोलो मोहसिन भाई, बात कहाँ तक पहुंची? सर, वो दोनों अमेरिकन मिल गए हैं, और दोनों ने कबूल भी कर लिया है कि उन्होंने जानबूझकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ झूठा बिजनेस किया, जिससे स्वेटलाना जी और सूरज को कुल मिलाकर 2 करोड़ का नुकसान करवाया। स्वेटलाना जी और सूरज दोनों ही बेकसूर हैं सर। ये सब स्टेटमेंट में आ गए? यस सर। वेरी गुड, इसे जल्द से जल्द मेरे यहाँ होटल में फैक्स कर दो, मैं ले लूंगा। ठीक है सर, मैं फैक्स इमीडिएटली भेजता हूँ। बाय बाय, थैंक्स।
सीएम कहा? अपने कल रात की बदतमीजी को याद करो त्यागी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब भैया कल सवेरा हो गया? अरे नहीं नहीं अभी कहाँ। तो फिर आप इस तरह बैठे का है? चैन से चादर तान कर सो जाइए। तुम्हारे जैसे जिसके दोस्त हो त्यागी, क्या वो चैन से कभी सो सकते? अब भी जाग जाओ, गनीमत है। कल रात के तुम्हारे बर्ताव के बाद मुझे मुझे चिढ़ होने लगी है तुमसे। कोनो गुनाह कर गए का हम कल रात? आप तो बहुत ही नाराज दिखते हैं हमसे। कल रात के बारे में कोई होश है तुम्हें? तुम्हें याद भी है कि तुमने क्या किया था? कल रात आप और हम एक पार्टी पे गए थे, वहां भौजी और भौजी की सहेली शिवानी जी। मैं तुमसे उनके नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं क्या तुम्हें अपने कल रात की हरकतें याद है? कुछ शेरो शायरी और गाना बाना तक तो हमका याद है, महफिल कुछ जमाया था। क्या की कल रात को तुम जहां गए थे वो तुम्हारे गांव का चौबारा नहीं था कि तुमने वहां कोई महफिल वहफिल जमा दी? वो दो लड़कियां अमेरिका से आई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नौटंकियों में उन्हें कोई दिलचस्पी हो सकती है? भैया हमका तो लग रहा था कि उनको हमरा गाना वाना कछु पसंद आ रहा है, वो हमरा कलाकारी में बड़ा दिलचस्पी ले रही थी। या तो तुम बहुत सीधे साधे हो या आला दर्जे के बेवकूफ हो। अब घर बुलाए मेहमान, और वो भी ऐसे मेहमान जो घर पहली बार आए हो, वो अगर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगे तो वो बेचारी और कर भी क्या सकती थी, मुस्कुराती रही और तुम्हें झेलती रही। हम बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर दी है या थोड़ा बहुत? जितनी बदतमीजी तुम्हारे बस की थी तुमने सब करके दिखा दी। हमका माफ कर दो भैया, हम पता नहीं नशा में कैसे ऐसा बेलगाम हो गया। अब तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो मुझे अपने घर बुलाएंगी। नेवा। भैया आप उनका समझा देना कि त्यागी ससुरा उजड़ गवार जंगली है, वो लोग तो हमको पहचानेंगे भी नहीं, लेकिन आप तो जा ही सकते हैं ना उनके घर। जनाब त्यागी साहब, उन लोगों के सामने मैंने आपका परिचय कुछ इस तरह करवाया था कि इस भरी दुनिया में आप मेरे इकलौते और बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितनी तारीफ की थी मैंने तुम्हारी। अब जिसके आप इतने अच्छे दोस्त हैं वो खुद एक उज्जड़ गंवार नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है? भैया हम अनजाने में पता नहीं कितना बड़ा गलती कर बैठे, आपका मामला जमाने की बजाय उजाड़ हो रहा है। हमका माफ कर दो भैया। त्यागी मुझसे माफी मांगने से या फिर मेरी माफी मिल भी जाने से क्या फर्क पड़ता है? अगर माफी मांगनी है तो जाकर उन दो लड़कियों से माफी मांगो। हम उनसे माफी मांगूंगा ही नहीं भैया, हम माफी लेकर भी आऊंगा, चाहे हमें उनके घर के सामने आमरण अनशन ही करना पड़े। बहुत बड़ी गलती किया हूं। रूबी, ये बैग और ये कपड़े यहां क्यों पड़े हुए? मैं बताना ही भूल गई, मैं बैंगलोर जा रही हूं। क्या? मुझे नौकरी का ऑफर मिला था, पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ। और इतना बड़ा फैसला करने के पहले मुझसे डिस्कस करने की जरूरत तुम्हें महसूस नहीं हुई? ये चलन तुमने ही तो शुरू की है दीदी, कि अपना फैसला खुद लेना चाहिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने शुरू किया है? हाँ, तुम भी तो कुर्बानी करने निकली थी मेरे खातिर, क्या डिस्कस किया था मुझसे? रूबी अगर मैं तुझे बताती तो बात और बिगड़ जाती। इतनी नहीं बिगड़ती जितनी अब बिगड़ी है। जानती मैं अगर तुम्हें मेरे और एकनाथ के रिश्ते के बारे में बताती तो क्या होता? तू अपने प्यार की कुर्बानी देने की जिद करती और वो मुझे मंजूर नहीं होता, और मैं तुझे बताकर कुर्बानी देती तो वो तुझे मंजूर नहीं होता। तब जो होता हम दोनों के बीच होता, कोई तीसरा आके हमारे इस रिश्ते में असर तो नहीं डालता। रूबी एकनाथ ने कभी हमारे रिश्ते पर कोई असर डालने की कोशिश नहीं की है। मैं एकनाथ की कहां बात कर रही हूं,
मैं रितु की बात कर रही हूँ। अगर हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते, एक दूसरे को पूरी तरह जानते, एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते, तो क्या रितु इस बात का फायदा उठाती? रूबी, जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब हम किसी तीसरे की वजह से क्यों अलग हो रहे हैं? किस तीसरे की बात कर रहे हो तुम? तू एकनाथ की वजह से बैंगलोर जा रही है और ये मैं नहीं चाहती। अब कोई भी क्यों ना हो, हम किसी और की वजह से अलग नहीं होंगे। देखो, हम जिंदगी भर एक साथ रहे हैं। कल को तुम्हारी शादी हो सकती है या मेरी हो सकती है, किसी तीसरे या चौथे को हमारी जिंदगी में तो आना ही है। रूबी, कोई तीसरा चौथा अगर हमारी जिंदगी में आता है तो हम उस तीसरे चौथे के सामने एक शर्त रख देंगे कि मैं और रूबी साथ रहेंगे। अगर उसे मंजूर है तो वो हमारे साथ रहे, वरना बेशक चला जाए। एकनाथ को कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे और एकनाथ के साथ रहना मंजूर नहीं। तो मैं एकनाथ को छोड़ चुकी हूं ना रूबी? एकनाथ या किसी को भी मैं अपनी जिंदगी की ऐसी मजबूरी बनाना नहीं चाहती जिसकी वजह से तुझे मुझसे दूर जाना पड़े, मुझसे अलग होना पड़े। रूबी, देखो मेरा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मौका दो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं। ये तुम्हारा दिल भी जानता है और मेरा दिल भी कि इस हादसे के बाद हमारे रिश्ते में कुछ फर्क आ गया है। अच्छा होगा कि कुछ दिनों के लिए हम एक दूसरे से दूर रहे, शायद शायद हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। रूबी, ये कोशिश मेरी कर। नहीं मेधा, नहीं, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं बैंगलोर जा रही हूँ और मैंने नौकरी के लिए हाँ भी कर ली है। प्लीज, आप मुझे मत रोको। मैं हूं सर, सॉरी सर, आइंदा से बेल बजाकर आया करूंगा। बेल नहीं, हल्के से दस तक, तीन बार। यस सर। सर, अमेरिका से फैक्स आ गया है। हेलो दिनेश। हाँ, गुड मॉर्निंग शाह साहब, मैं आप ही के फोन की वेट कर रहा था। केस की डिटेलिंग पढ़ ली? जी हाँ, पढ़ भी ली और रट भी ली है। न्यूयॉर्क से फैक्स भी आ गया। जिस तरह की स्टेटमेंट तुमने मंगवाई थी आ गए। ये फैक्स तुम्हारे कहने पर मंगवाया गया वकील साहब। दरअसल मैं तुम्हारे तरीकों पर चलकर देख रहा हूं, वरना मेरे सलीकों में कागजात वगैरह नहीं आते। जिस जिस चीज का तुमने जिक्र किया तुम तक पहुंचाया जा रहा है। अब अगर किसी हाल में किसी भी कानूनी तर्क के तहत श्वेत लाना को जेल हुई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा वकील साहब। जी मैं समझ सकता हूं।